हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज पैसिव इम्यूनाइजेशन नीड्स टू बी डेवलप्ड ठीक है अब पैसिव इम्यूनाइजेशन कब डेवलप Uh, कब डेवलप कराने की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में ये पूछा गया है प्रायर टू एक्सपोजर ऑफ प्रायर टू एक्सपोजर टू माइक्रोब्स ठीक है या माइक्रोब्स के एक्सपोजर से पहले ही हम पैसे uh, इम्युनाइजेशन दे देते हैं तो पैसे इम्युनाइजेशन जो है प्रायर टू माइक्रोब के एक्सप एक्सपोजर uh, से पहले नहीं दिया जाता है ठीक है सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है uh, जो हम एक्चुअल माइक्रोब्स के एक्सपोजर से पहले दे देते हैं वो वैक्सीनेशन होता है कि आपने क्या किया एंटीजन को वीक करके या हमारी बॉडी में डाल दिया इनएक्टिव करके हमारी बॉडी में डाल दिया या एंटीजन की जो एंटीजन के प्रोटीन की जो प्रिपरेशन है वो हमने अपनी बॉडी में खुद से डाली सो so दैट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन सके ठीक है सो एक्सपोजर तो वो हम जानबूझ के एक्सपोजर ले रहे हैं माइक्रोव का सो so दैट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन सके सो so यहाँ पे पैसिव इम्युनाइजेशन इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे पैसिव इम्युनाइजेशन बेसिकली होता क्या है देखो नाम से ही पता लग रहा है कि हम बाहर से प्री प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट हमें जो प्रॉब्लम हो रखी है जो माइक्रोव की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रखी है जो डिजीज हो रखी है उसका ट्रीटमेंट हो जाए क्विक आए स्लो तो होता है हम जो पहले से अगर वो हमारी बॉडी में ले रहे हैं तो वो क्विक रिस्पॉन्स करेगा राइट सो पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड तो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड हो तो पैसिव इम्यूनाइजेशन डेवलप होता है हमारी बॉडी में तो वी करेक्ट है टू डिस्ट्रॉय डेड सेल डेड सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए पैसे इम्युनाइजेशन नहीं किया जाता है ऑल ऑफ दिस भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको ट्वेल्थ की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 136 पे मिलेगी आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है